साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनलों में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों हमेशा की भांति आज भी मैं एक ऐसा नया बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो शायद आप बहुत पुस्तकों को खोजते हैं तो आपको मिलता होगा, अन्यथा इसको इग्नोर कर देते होंगे। जैसे पंचांग में दिया हुआ रहता है कि मनवंतर कल्प, यानी एक मनवंतर बराबर कितना वर्ष होता है या कितना दिन होता है, एक कल्प बराबर कितना वर्ष कितना दिन होता है, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। और आप लोग इसको कैसे निकाल पाएंगे और कैसे समझ पाएंगे इसकी चर्चा हम लोग इस पंचांग में भी है और अन्य ग्रंथों से शास्त्रों से भी मैं एकत्रित करके आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करते रहता हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छी से अच्छी सरलता भाषा में सरल भाषा में आप लोग सीखें समझें। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मनवंतर क्या है, कल्प क्या है, कितने वर्ष बराबर एक मनवंतर कहा जाता है, कितने कल्प बराबर कितने वर्ष बराबर एक कल्प कहा जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान दें। जैसे आप लोग संकल्प वगैरह कहते हैं तो उसमें मनवंतर की बात आती है, कल्प की बात आता है, जैसे जम्बूद्वीप भारत खंडे उसी में आप लोग आगे पढ़ेंगे तो कल्प की भी चर्चा आती है, बाराह कल्पे जैसे आप लोग सुनते हैं ना, तो विशेष में मैं नहीं कहूँगा लेकिन संकल्प यहाँ बोलना मैंने क्या विषय हम लोग नहीं अभी उठाए हैं, ये हम लोग आज कल्प की और मनमंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज इसको थोड़ा सा विस्तृत में जानेंगे कि मनवंतर वास्तविक में कैसे हम लोग उसकी मनवंतर की गणना करेंगे और कल्प की गणना करेंगे, उसमें कौन कौन से युग मिला करके एक मनवंतर होता है और कौन कौन से कितने युग मिला करके और एक कल्प होता है, इस सब पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज देखें, आज मनवंतर की बात जो हम लोग सरल भाषा में मैं इसीलिए लाता हूँ कि आप लोग ढंग से और सही से समझ पाए। देखिए मनवंतर एवं कल्प को समझें, यह हिंदू धर्म के अनुसार मानवता के परजनक की आयु होती है, यह है समय मापन की खगोलीय अवधि है। अब समझ गए अवधि यानी समय। मनवंतर शब्द का अर्थ संस्कृत शब्द के मनु प्लस अंतर, संधि विच्छेद यदि आप करते हैं तो मनु प्लस अंतर से बनता है, अर्थात मनु की आयु। प्रत्येक मनवंतर एक विशेष मनु द्वारा रचित एवं शासित है, जिन्हें ब्रह्मा द्वारा सृजित किया जाता है। पुराणों आदि में वर्णित है कि मनु विश्व की और सभी प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे मनु और शत्रुपा, जब जब सृष्टि का विनाश होता है तो मनु और शत्रुपा का फिर सृजित करने के लिए जन्म होता है। उसी प्रकार ये बात बताया जा रहा है जो कि उसकी आयु की अवधि तक बनती है और चलती है। उस मनु की मृत्यु के उपरांत ब्रह्मा फिर से एक नए मनु की सृष्टि करते हैं तथा फिर से सभी की सृष्टि करते हैं। साथ ही विष्णु भी समय समय पर अवतार लेकर इसकी संरचना एवं पालन करते हैं। इसके साथ ही साथ एक नए इंद्र एवं सप्तऋषि भी नियुक्त होते हैं। 14 मनु और उनके मनवंतर को मिलाकर एक कल्प बनता है। मैंने समझें
14 मन्वंतर को मिला दे के समय को अवधि को मिला देने पर एक कल्प कहा जाता है। यही ब्रह्मा का एक दिवस होता है, एक दिन होता है। यह हिंदू समय चक्र एवं वैदिक समय रेखा होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय आती है। इसमें ब्रह्मांड का अंत हो जाता है। इस काल को ब्रह्मा जी की एक रात्रि कहते हैं। इसके उपरांत ब्रह्मा फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान शिव का कार्य संहार करने को मिला हुआ है। अब आगे देखें, सृष्टि की कुल आयु यानी सृष्टि की रचना जब होती है तो उस समय उसकी देखिए कुल आयु, कुल आयु इसको दहलाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, यानी 4,32,00,000,000, यानी इतना आप दिमाग में रखें याद करने के लिए। याद होने में दिक्कत आपको होता है तो 432 लिखें और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को उस पर शून्य बैठा दें तो एक सृष्टि का कुल आयु हो जाएगा। यानी एक मन्वंतर बराबर 71 चतुर्युगी, यानी चारों युग को मिला करके एक युग होता है, एक चतुर्युगी कहलाता है। एक मन्वंतर, एक युग कहलाएगा, एक सृष्टि का सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का पतन, यानी एक बार सृष्टि की उत्पत्ति होती है, चार युग बीतने के बाद, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसी को चतुर्युगी कहा गया है। तो इस सबको मिलाकर जितना आयु होता है चारों युग को मिला के उसको एक चतुर्युगी कहेंगे। तो उसी प्रकार 71 चतुर्युगी मिला करके एक मन्वंतर कहे जाते हैं, होते हैं। एक चतुर्युगी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक चतुर्युगी बराबर चार युग, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब देखें चारों युगों की आयु, इसका भी वर्णन कर दिया गया है जिसे चतुर्युगी कहते हैं। सतयुग का इतना वर्ष 1728,000 वर्ष होता है। त्रेता युग का 1296,000 वर्ष होता है। द्वापर युग का 864,000 वर्ष होता है। कलयुग का 432,000 वर्ष होता है। इस प्रकार चारों युगों को हम जोड़ेंगे तो 4,32,40 वर्ष का समय बराबर एक चतुर्युगी कहलाता है। यानी इतना वर्ष बराबर एक चतुर्युग कहलाएगा। और 71 चतुर्युगी जब हो जाएगा तो उसे एक मन्वंतर कहा जाएगा। ये मन्वंतर, चतुर्युगी और मन्वंतर का वर्णन आप लोग समझें। अब उसके बाद देखिए, अर्थात यहाँ दिया हुआ है एक मन्वंतर बराबर 71 चतुर्युगी, तो गुणा करेंगे 71 गुणा एक चतुर्युगी, देखिए यहाँ एक चतुर्युगी लिख भी दिया हूँ, और गुणा करेंगे तो इतना, यानी 30,67,240 वर्ष, यानी इतना वर्ष बराबर आपका एक मन्वंतर कहा जाएगा। इस प्रकार हम लोग समझे। अब देखें कल्प की जो बात थी, तो 14 चतुर्युग, 14 मन्वंतर, यहाँ ऊपर में आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर है 14 मनु के तथा उसके मन्वंतर को मिला करके एक कल्प बनता है, यानी 14 मन्वंतर मिला करके एक कल्प कहा जाता है। आज हम लोग इसकी चर्चा किए जो कई बहुत कम पुस्तकों में मिलता है, गिने चुने पुस्तकों में इसका वर्णन दिया हुआ रहता है। इस प्रकार हम लोग आज मन्वंतर और कल्प को समझे।
यदि आपका आपको अच्छा लगता हो वीडियो मेरा डाला जा जो जा रहा है प्रतिदिन या समय अनुसार, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।